हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं स्पोकन इंग्लिश। जी हाँ, आज है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का 19th डे। जी दोस्तों, आज 19th डे में हम सीखने वाले हैं कुछ डिफरेंट यूज़। यूँ तो हम डेली कुछ डिफरेंट सीखते हैं, लेकिन आज हम और दिनों से थोड़ा अलग सीखेंगे। अलग इन द सेंस, ये जो वर्ड है ये एज अ वर्ब यूज़ होता है, ये एज अ वर्ब यूज़ होता है, लेकिन ना तो ये वर्ब कहलाता है जो कि हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जी एग्जैक्टली, ये ना तो हेल्पिंग वर्ब में आता है और ना ही किसी मुडाल में आता है। तो ये आता किस में है दोस्तों? ये आता है मेन वर्ब में। मेन वर्ब मीन्स एक्शन वर्ब। आज मैं आपको एक ऐसा वर्ड बताने वाला हूँ जिसका यूज़ हम डेली बेसिस पे करते हैं। अपनी डेली लाइफ की स्पीकिंग में हम इसको बहुत अपनाते हैं, लेकिन कभी कभी हम इसको गलत यूज़ कर जाते हैं। तो कैन यू गेस दैट विच वर्ड आई एम गोइंग टू ट्राई टू यूज़? ऐसा कौन सा वर्ड है जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज? यूँ तो बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, तो शायद हो सकता है कि आपके लिए कठिन हो कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको कि आज का जो वर्ड है वो है आपके लिए द डिफरेंस बिटवीन वॉन्ट एंड वॉन्ट टू। जी एग्जैक्टली, द डिफरेंस बिटवीन वॉन्ट एंड वॉन्ट टू। दोनों वर्ड सेम ही नज़र आते हैं और होते भी सेम हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। एक में वॉन्ट टू यूज़ हुआ और एक में सिंपल वॉन्ट यूज़ हुआ। हम इन दोनों में कैसे डिफरेंस कर सकते हैं? इन दोनों में क्या यूज़ होता है इनके बाद में? क्या कोई नाउन लेता है या कोई वर्ब लेता है? क्या इनके मीन होते हैं? एंड द लास्ट पार्ट, हम इनको डेली यूज़ में कैसे अपनाते हैं और कैसे लाते हैं? आज हम बात करेंगे इन्हीं दोनों बातों पे। नंबर वन एंड द लास्ट थिंग, आपको इस पे फिर सेंटेंसेस बनाने हैं एंड यू हैव टू राइट डाउन ऑन माई कॉमेंट बॉक्स कि आपने क्या बनाया। सो आर यू रेडी दोस्तों? तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास और देखेंगे डिफरेंस बिटवीन वॉन्ट एंड वॉन्ट टू। आइए, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जी हाँ एग्जैक्टली दोस्तों, आपने यहां देखा कि यहां हमने यूज किया वॉन्ट और वॉन्ट टू, राइट? एग्जैक्टली, जैसा कि हमारा टॉपिक है आज का कि क्या डिफरेंस है वॉन्ट में और वॉन्ट टू में। यही कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं आपके सामने, आइए देखते हैं कि क्या डिफरेंस है बिना टाइम वेस्ट किए हुए वॉन्ट एंड वॉन्ट टू में। चलिए दोस्तों, वॉन्ट का जब हम यूज करते हैं, जब हम यूज वॉन्ट का करते हैं, केवल वॉन्ट का, तो वॉन्ट के संग या तो नाउन या प्रोनाउन में से कोई और आता है, या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, राइट? केवल वॉन्ट का यूज करने में। लेकिन इसी के अतिरिक्त, इसी के अलावा यदि हम वॉन्ट टू का यूज करते हैं तो वॉन्ट टू अपने साथ नाउन और प्रोनाउन नहीं लेता, वो अपने साथ वर्ब लेता है। जी एग्जैक्टली, आपको याद रखना पड़ेगा वॉन्ट टू के साथ वर्ब आती है जबकि वॉन्ट के साथ नाउन और प्रोनाउन आता है। हम में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे, सर ऐसा क्यों होता है? हम में से काफी लोगों को इसका आंसर पता होगा, लेकिन मैं फिर भी क्लियर कर देता हूं दोस्तों। वॉन्ट जो है वो एक मेन वर्ब है। वॉन्ट क्या है? मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद हम लोग किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं। जी एग्जैक्टली, संसार का कोई सा भी सेंटेंस उठा के देख लीजिएगा, मेन वर्ब के बाद हम नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं, क्लियर? लेकिन यदि उसी मेन वर्ब के साथ टू आ जाए, क्या कहा मैंने, यदि उसी मेन वर्ब के संग टू आ जाए तो दोस्तों वो अपने साथ क्या ले लेती है? वर्ब। क्यों? क्योंकि वहां पे टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो वहां वॉन्ट है और वॉन्ट के संग यदि आपने टू का यूज कर लिया तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेगी। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, एग्जाम में काफी फिल इन द ब्लैंक्स में, सिंपल में आता भी है और स्पीकिंग में भी यूज करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा वॉन्ट क्यों लेता है नाउन और प्रोनाउन, और वॉन्ट टू क्यों लेता है किसी वर्ब को, क्योंकि टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। चलिए एग्जाम्पल करते हैं दोस्तों कि क्या कहते हैं हमसे एग्जाम्पल्स। नंबर वन है दे वॉन्ट अ कार। दे वॉन्ट अ कार, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें एक कार चाहिए। तो अकार क्या है? अकार नाउन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अकार जो है वो नाउन है और वॉन्ट के बाद नाउन आता है। दे वॉन्ट, वे चाहते हैं एक कार, सिंपल। सेकेंड एग्जाम्पल, यू वॉन्ट अ फ्रेंड, भाई तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो एक दोस्त, तुम पे दोस्त नहीं है और तुम एक दोस्त चाहते हो, तो यू वॉन्ट अ फ्रेंड। अ फ्रेंड इज वॉट? नाउन। नाउन क्या होते हैं? हर चीज नाउन होती है, हर एक वर्ड नाउन होता है। आपके जुबान से निकलने वाला हर एक वर्ड,
आपके फेशियल एक्सप्रेशन से कोई भी जो चीज़ बयां होती है वो सब नाउन कहलाता है, राइट? नाउन की डेफिनेशन में मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आपको प्रॉपर चैप्टर लूंगा नाउन को, लेकिन अभी हम कर रहे हैं वॉन्ट। तो यू वॉन्ट अ फ्रेंड, तुम्हें क्या चाहिए भाई? तुम एक दोस्त चाहते हो। नंबर थर्ड, थर्ड कह रहा है दोस्तों शी वॉन्ट्स सम क्लोथ्स। अब यहाँ पे कुछ लोगों को क्वेश्चन है, सर ये क्या हुआ, अभी तो आप वॉन्ट बता रहे थे, ये वॉन्ट्स कहाँ से आ गया? दोस्तों बहुत सिंपल सा टॉपिक है, प्लूरल था दे, प्लूरल था यू, जब ये दोनों प्लूरल थे तो हमने वॉन्ट यूज़ किया, लेकिन जब शी सिंगुलर है तो भाई सिंगुलर के संग हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं और सिंगुलर वर्ब अपने साथ एस और ई एस लेती है, इसलिए हमने शी के साथ वॉन्ट्स लगा दिया। तो क्या बना सेंटेंस? शी वॉन्ट्स सम क्लोथ्स, उसको कुछ क्लोथ्स चाहिए, उस बंदी को कुछ कपड़े चाहिए, दिस इज व्हाट वी कॉल शी वॉन्ट्स सम क्लोथ्स। नंबर नेक्स्ट, नंबर फोर्थ कह रहा है जिज्ञासा, जिज्ञासा इज द नेम ऑफ अ गर्ल, जिज्ञासा वॉन्ट्स स्वीट्स। वाओ, जिज्ञासा को क्या चाहिए? जिज्ञासा को दोस्तों स्वीट्स चाहिए, जिज्ञासा को मिठाइयाँ चाहिए। सो ये थे यूज हमारे वॉन्ट्स के, कैसे यूज करते हैं वॉन्ट को हम एज अ वर्ब और उसके बाद कैसे लगाते हैं नाउन और प्रोनाउन। हमने देखा कार नाउन है, फ्रेंड नाउन है, क्लोथ्स नाउन है, स्वीट्स नाउन है। दोस्तों यहाँ हमने प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया, लेकिन प्रोनाउन में हम कह सकते हैं, यदि मैं आपसे कहूँ आई वॉन्ट यू हियर, आई वॉन्ट यू हियर, मैं तुम्हें चाहता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे यू क्या है? प्रोनाउन है, तो हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, राइट एवरीवन? चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ वॉन्ट टू। कैसे करते हैं वॉन्ट टू का यूज़? एग्जाम्पल, इन्हीं एग्जाम्पल को हम देखेंगे कि कैसे हम इनमें वर्ब लगाकर चेंज करते हैं। तो दोस्तों जो एग्जाम्पल होंगे उनमें नंबर वन एग्जाम्पल हमारा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, नंबर वन है दे वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। एग्जैक्टली, यहाँ भी हमने कार का यूज़ किया था, लेकिन सेंटेंस था दे वॉन्ट अ कार, उन्हें कार चाहिए, मीन्स वे कार चाहते हैं। दोस्तों इससे हमें एक चीज़ मालूम पड़ी, ये जो वॉन्ट है ये उस वस्तु को, उस थिंग को चाहने के लिए है कि भाई मुझे वो ला के दो, मैं वो चाहता हूँ। तो उसने कहा दे वॉन्ट अ कार, उन्हें कार ला के दो वरना वो उत्पात मचा देंगे, राइट? वो लड़ने लगेंगे। तो दे वॉन्ट अ कार, उन लोगों को कार चाहिए, लेकिन यहाँ कार नहीं चाहिए, यहाँ कहना चाह रहा है दे वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, वे कार चलाना चाहते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ दे को कार से मतलब नहीं है, यहाँ दे को मतलब है चलाने से। तो ये डिफरेंस है वॉन्ट और वॉन्ट टू में। तो मैंने आपसे कहा दे वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा आसानी से कि क्यों हम वॉन्ट टू के बाद ड्राइव लगाते हैं, टू अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। आइए देखते हैं नंबर सेकंड सेंटेंस। दोस्तों सेकंड कह रहा है यू वॉन्ट टू प्ले विद योर फ्रेंड, तुम चाहते हो खेलना किसके साथ? अपने दोस्त के साथ। यू वॉन्ट क्या? टू प्ले, You want to play, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए दोस्त। जी नहीं, यहाँ था कि तुम्हें एक दोस्त चाहिए, लेकिन यहाँ पे है कि तुम्हें अपने दोस्त के संग खेलना है, इसीलिए तुम अपने दोस्त के संग खेलना चाहते हो। You want to play with your friend, तुम अपने दोस्त के संग खेलना चाहते हो, और उन्हें क्या चाहिए? They want to drive a car, वे कार चलाना चाहते हैं। Is it clear? नंबर थर्ड कह रहा है दोस्तों She wants to buy some clothes, वो कुछ कपड़े खरीदना चाहती है। शी वॉन्ट्स, वो चाहती है टू बाय, खरीदना, सम क्लोथ्स, कुछ कपड़े। तो शी वॉन्ट्स टू बाय सम क्लोथ्स, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल था, क्लियर हुआ होगा। आइए नंबर फोर्थ क्या कह रहा है आपसे, जिज्ञासा वॉन्ट्स टू ईट स्वीट्स, जिज्ञासा चाहती है खाना स्वीट्स, मिठाइयाँ। तो भाई जिज्ञासा मिठाइयाँ नहीं चाहती, जिज्ञासा उन मिठाइयों को खाना चाहती है, और यहाँ क्या था, जिज्ञासा वॉन्ट स्वीट्स, जिज्ञासा मिठाइयाँ चाहती है। तो इस सेंटेंस में हो सकता है कि जिज्ञासा के सामने मिठाइयाँ ला के रख दो, भाई वो खाना नहीं चाहती, वो केवल चाहती है, लेकिन इस सेंटेंस में जिज्ञासा मिठाइयाँ नहीं, मिठाइयाँ खाना चाहती है, इसलिए हमने वॉन्ट्स के बाद टू ईट लगाया। सो दिस इज द सिंपल और बेसिक डिफरेंस बिटवीन वॉन्ट एंड वॉन्ट टू। मैं आशा नहीं, मैं पूरे विश्वास के संग कह सकता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी यदि कहीं कोई डाउट होगा तो प्लीज़ राइट डाउन ऑन माय कमेंट बॉक्स, मैं आपको जरूर बताऊंगा यदि कहीं कोई चीज़ रह रही होगी। लेकिन दोस्तों इससे पहले किसी भी चीज़ के लिए हमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेज ऑन वॉन्ट एंड वॉन्ट टू।
वॉन्ट को ध्यान रखेंगे, हम वॉन्ट के बाद नाउन और प्रोनाउन लगाएंगे और वॉन्ट टू के बाद हम वर्ब लगाएंगे। बाकी आप इन एग्जाम्पल्स को फॉलो कर सकते हैं, इन एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन अगेन आई हैव सेड और आई हैव टोल्ड यू कि यू कैन राइट डाउन ऑन मी सो दैट आई कैन गिव द करेक्ट आंसर टू एवरीबॉडी। आई विश कि ये आपको बात क्लियर हुई होगी विदाउट एनी डाउट, राइट एवरीवन। तो फिनिश करते हैं आज का चैप्टर वॉन्ट और वॉन्ट टू, और कल मिलते हैं हम इसी के नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ कि कैसे बनता है वॉन्ट और वॉन्ट टू का नेगेटिव और इंटरोगेटिव। श्योर? सो थैंक यू दोस्तों आज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हंग्री एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।